अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यार मेरे सलाम से तो मुर्गा ही डर गया। रिलैक्स ड्यूड, रिलैक्स। तो यार आज की वीडियो मैं ही बना रहा हूँ। वो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि तुरा भाई गए हैं बहुत ही जरूरी काम के लिए। वो काम क्या है बाद में पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले यार जो काम होते हैं वो कर लेते हैं। कबूतरों को मैंने खोल दिया है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम खोल लेते हैं अपनी मुर्गियों को और चूजों को, क्योंकि बेचारे बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और इन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से। जल्दी से जल्दी मैं इनको खोलता हूँ। ये शाबाश शाबाश भाई, क्या फ्लाई है। ये बेचारे नहीं उठ पाते। किधर है भाई? चलो आ जाओ यार, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो ये क्या। तो करना क्या है यार, अभी मैं जाऊँगा मार्केट में, ठीक है। वहाँ से लेके आऊँगा बहुत सारे रंग। रंग क्यों लेके आऊँगा? क्योंकि मैंने ये सोचा है कि हमारा जो डायमंड है उसका कलर है वाइट, ठीक है ना, सिंपल सा रंग है। आज उसको रंग देते हैं भाई, उसको हम लाल पीला नीला हरा जो भी रंग आएगा ना उसको लगा देंगे और देखेंगे उसकी शक्ल कैसी होती है, दिखने में कैसा लगता है। तो मैंने आज तक ये काम नहीं किया, ऐसे मेरे जहन में आइडिया आ गया कि मैंने कहा ऐसे फ्री में खड़ा हूँ, टाइम पास भी हो जाएगा और हमारा डायमंड भी बिल्कुल रंग रंगीला हो जाएगा और बड़ा ही मस्त किस्म का लगेगा, बहुत ही मजा आएगा यार। तो अभी कहाँ पे डायमंड वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बिफोर, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी ही देर में इसका रंग होने वाला है, पता नहीं कौन सा, अभी वो देखेंगे ना हम। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अभी चलते हैं दुकान से लेके आते हैं बहुत सारे रंग। चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, रंग चाहिए यार? क्या बात है, मशहूर हो जाओगे आप। आपके पास ऑटोग्राफ लेने आएंगे लोग। थैंक यू। कितने पैसे? तो यार रंग ले लिया है, अभी चलते हैं और इसको अपने डायमंड पे लगाते हैं। तो यार यहाँ पे हमारे सारे रंग और ये जो गिलास आप देख रहे हैं इनमें मैं डालूंगा अभी पानी और पानी के अंदर ये रंग शामिल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डायमंड को लेके आएंगे और इसको करेंगे हम आगे, समझ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूँ कि क्या सीन रहता है। तो यार अब हम डालेंगे हरा रंग, यहाँ से पीला है वैसे ही। तो अभी डालते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं इसको डालते ही इसका रंग चेंज हो गया। तो यार मिक्सर यहाँ पे मैंने बना लिया है और मेरे हाथ भी देख सकते हैं आप कैसे हो गए, रंग लग गया इनको भी। अब क्या करना है, मैंने सबसे पहले इसका एक टेस्ट करना है। क्या करना है, ये जो आप पर देख रहे हैं ना इसके अंदर, यहाँ से मैं पर निकालता हूँ कोई वाइट और उसके ऊपर मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या उसके ऊपर ये रंग लगता है या नहीं लगता है। ऐसे मैं डायमंड पे एक्सपेरिमेंट करूँ और वो ख़राब हो जाए उसकी शक्ल तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं। मुझे जो लग रहा है ना ये वाला रंग सही नहीं बना। ये देखें, ये पीला रंग था और यार ये भी सही लग रहा है यार, मतलब आ रहा है कलर। लगे ये कितना पतला था, तो ये तो भाई परफेक्ट लगेगा। तो यार शर्ट चेंज कर ली है, अभी चलते हैं और मेरा गला सूख रहा है यार। अभी है मेरे हाथ में डायमंड और ये, तो इसको यहाँ पे विराजमान करते हैं। आ गया जी, जंप नहीं मारना बस मेरे बेटे। यहाँ पे कैमरा लगा देता हूँ और सारा ऑपरेशन देखते हैं इसका। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार और मैंने पूरी कोशिश की। अब मेरी हालत देखिए, अभी मैंने धोया है खुद को, मेरा मुंह, मेरे हाथ, डायमंड से ज़्यादा मुझे रंग लग गया था कसम से। आप देखें, हालत देखें,
ये देखें ये सारी जगह लाल पीली हो गई है, और इधर देखें और नीचे देखें आप, सारा रंग ही रंग है यार, पूरी छत का हाल खराब हो गया। अब तुराब का डर लग रहा है मुझे, उसने मुझे छोड़ना नहीं है, मैंने काम बड़ा गंदा कर दिया है। और डायमंड की शक्ल अभी देखने वाली नहीं है, अभी क्योंकि वो गीला है मैंने आपको अभी नहीं दिखाना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं मुझे डर लग रहा है कि मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। तो यार इसको सुखाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि डायमंड की क्या हालत हुई है। तो यार कसम से मुझे देख के हंसी आ रही है उसको। और मैंने उसके ऊपर कोई जो है ना टॉर्चर नहीं किया, सुकून से मैंने लगाया, तभी मुझे टाइम लग गया है। लेकिन एक मसला होता है जब वो गीला होता है ना जैसे परिंदा, और खुद को वैसे ऐसे करता है कि पानी सारा इधर उधर हो जाए, तो उस वजह से मेरे हाथ और मेरे कपड़े और बाकी जगह खराब हुई है। वैसे नॉर्मल था, उसको कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, डायमंड को मैं सुखाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि डायमंड कैसा निकला है। तो थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। A few moments later. तो यार डायमंड हमारा बिल्कुल नया डायमंड बन चुका है, और उसका मुझे लगता है नाम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके व्हाइट कलर की वजह से उसका नाम डायमंड रखा था। अब तो बेचारे का समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर हो गया है, मैंने काम तो कर दिया है खराब, क्योंकि कलर जैसे मैंने इमेजिन किया था वैसा तो बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं अकेला था और काम थोड़ा मुश्किल था। अभी भी मैंने कैमरा मैन के लिए एक बंदा हायर किया है, मेरा कज़न आया, उसको मैंने कहा यार मैं अकेला हूँ यार, मेरी कोई हेल्प ही कर दो यार। आ जाओ यार दिखाते हैं। तो यार अब क्या करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको दिखा ही देता हूँ कि क्या कांड किया है मैंने आज। तो ये रहा हमारा डायमंड यार, इधर खड़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है ये देखे। और ये देखें मैंने यहाँ से इसको ग्रीन किया है, और ये कलर आप देख सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर है। मैंने तो इसको किया था यहाँ पे रेड, तो ये कौन सा, मेरे ख्याल में जो ग्रीन कलर था ना उस टाइम तो ये गीला था ना, तो ये मिक्स हो गया होगा रेड के साथ, इसकी वजह से ये अजीब सा कलर निकला है। तो कुछ इस तरह का बना यार हमारा डायमंड। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि यार इसका जो है ना लुक निकलेगा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, इसको देखते ही हमारा दिल जो है ना खुश हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और मैंने डिज़ाइन पता है कहाँ से सोचा था, इधर है मैं दिखाता हूँ, मैंने सोचा था कि मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाता हूँ डायमंड का, ये आप गोल्डन पिन देख सकते हैं हमारी, तो इसकी नकल की है मैंने। तो मैंने सोचा तो था कि इस तरह का हमारा डायमंड हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत सा, तो हुआ किस तरह का, ये रहा बेचारा। तो गलती तो होगी भाई मुझसे, तो भाई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पता है मैंने सही नहीं किया, आपको भी पता है, आपको भी नज़र आ रहा होगा मैं ऐसे फेक क्यों बनूं कि भाई मैंने बहुत अच्छा कलर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे पता है भाई सही नहीं हुआ, एक बार फिर देख लें। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, बर्दाश्त, काबिले बर्दाश्त है, और ये बिल्कुल परमानेंट कलर नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा, तो जैसे था ना बेचारा इसको वैसे कर देंगे। तो यार अगर आपको बुरा लगा तो इसके लिए माजरत, क्या कह सकते हैं यार, मैंने ट्राई किया है और मेरा टाइम भी पास हो गया, मैंने कहा था भाई मैं टाइम पास करना है, तो टाइम पास के लिए अच्छा था भाई, तो इससे कोई इसको नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलो इसकी भी नई लुक हो जाएगी, चेंजिंग करनी चाहिए लाइफ में। तो यार मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ जो कि एक दो दिन में आ ही जाएगी, जो हमने वो रखे थे ना अंडे रखे थे कबूतर के नीचे रखे थे मुर्गी के अंडे, जिसमें से बच्चा निकलने की अब मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने चेक किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अंडा है ना ये देखें इधर है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर पहले मैं आया था इसको चेक करने, और मैंने इसको अपने जो है ना कान पे लगाया था, और इसमें से टक 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 की आवाज़ें आ रही थी, जैसे अंदर बच्चा हो ना और निकलने की, और ये देखो इधर आओ यार, अरे यार ये देखो यहाँ से ये देखें इसके अंदर दराड़ें आ रही हैं, इसका मतलब अंदर बच्चा निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, और ये देखें नज़र आ रहे हैं यार, हाँ ये देखो इसमें से ये निकलने की, ये देखें यहाँ पे टूटा हुआ है शेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा 2 से 4 घंटे के अंदर इस अंडे में से निकल आएगा। और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि एक कबूतर ने, कबूतरी ने मुर्गी के बच्चे को हैच किया और उसमें से बच्चा भी निकलेगा, यार मैं तो भाई हैरान हो रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये होगा इंशाल्लाह, उम्मीद पूरी है, 99.999 से भी ऊपर की उम्मीद है कि बच्चा निकल आएगा, क्योंकि अभी से आप देख सकते हैं इसके अंदर से दराड़ें आ रही हैं और बच्चा निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह निकल आएगा, इसको मैं रख देता हूँ। तो यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही खुशी की खबर है, चलो डायमंड के साथ तुमने जो किया किया उसका मुझे दुख है, लेकिन ये देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यार। तो कुछ देर में यहाँ से भी खुशखबरी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे ये सुकून से खाएंगे, उनके फीट थोड़ी सी गर्म भी होती है, तो इनको यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, तो ये खाएंगे यहाँ पे फीट, तो यार इनको खाने देते हैं। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बाकी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप अभी नहीं आ रहा तो मैं भी थक गया हूँ काफ़ी,
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।